अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यू के कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 2022 में जो कैंडिडेट्स डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर्स का इंटरव्यू में शामिल हुए हैं उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के डायरेक्ट एंट्री का जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है वो सेम लाइक पाकिस्तान आर्मी के ISSB की तरह है। उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है और रेंजर्स के डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर्स का जो सिलेबस है 2018 टिल 2022 वो इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो फौरन आप तक पहुंच जाएगी। अब मैं आपको उस कैंडिडेट का इंटरव्यू सुनाना चाहूँगा जो 2022 में पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यू में शामिल हुआ था। वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेगा। वीडियो को गौर से सुनिएगा। जी जी, इंटरव्यू के अंदर हमने सबसे पहले मैं एंटर हुआ हूँ तो कहते इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाएं, उन्होंने ये मुझे बोला। मैंने उर्दू में तारुफ कराना शुरू कर दिया मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस भी कहा और अपना तारुफ कराया। मैंने कहा मेरा नाम है और मैं लाहौर से हूँ। और इसमें उन साथ ही मुझे, जैसे मैंने कहा ना लाहौर से हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि नो नो स्पीक इन इंग्लिश। तो हर किसी से वो इस तरह नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझसे तो उन्होंने इंग्लिश में किया। और काफ़ी ज़्यादा जो सा ना साइकोलॉजिकल टेस्ट जो सा मैंने दिया था ना, मैंने उसके ना पेरेंट्स का बड़ा हाईलाइट किया था कि मेरी मदर मेरी फ्रेंड है और जो हकीकत है, और मैं पेरेंट्स का और सारा। और दूसरी चीज़ इसमें ये कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप LLB कर रहे हैं, LLB ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप ये किधर आ रहे हैं और किधर फंस जाएंगे इधर आके, और सारा वकील तो आज़ाद होते हैं, और इस तरह के ना क्वेश्चंस बड़े थे इंग्लिश में वो कर रहे थे। फिर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस रूम, तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया और थ्रू आउट इंग्लिश के ना किया एक्सप्लेन। फिर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो मुझे नहीं आया, मैं कंफ्यूज था, मैंने गलत बताने से खामोशी बेहतर थी, मैंने कहा सॉरी सर। और उसके बाद साथ ही उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द करेंसी ओवर, मतलब क्या व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो फिर मैंने उनको बताया डॉलर, तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मैंने कहा जी जी सर, मैंने डॉलर ही सिर्फ बताया था। फिर उन्होंने बताया साथ ही, ये ना काउंटर क्वेश्चंस कर रहे थे डायरेक्टली, इधर इधर से मेरा जवाब नहीं जाता था, उधर डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता था। और पूरा फुल 6 बंदे पैनल में बैठे थे, और एक साइकोलॉजिस्ट था, CO कमांडेंट ऑफिसर था, और जिसको ब्रिगेडियर कहते हैं मेरे ख्याल में, कर्नल साहब थे, DSR साहब थे और सारे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि इकबाल का शेर सुनाओ। इकबाल का शेर मैंने सुनाया कि मोहम्मद सफ़ात उन्हें जाम दे रहे हैं। तो उसमें उन्होंने पूछा मुझसे लोह कलम क्या है, मैंने उनको भी सॉरी कर ली, मैंने कहा सॉरी सर। और इसके बाद उन्होंने जनाब मेरे से पूछा कि पाकिस्तान आर्मी के ना, वाई नॉट पाकिस्तान आर्मी, आपने पाकिस्तान आर्मी में क्यों नहीं अप्लाई किया। तो मैंने कहा सर मैं तो उसमें, मुझे शौक इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, जो कि मुझे इस तरह कहना चाहिए था कि सर। बहरहाल जो सच था वो मैंने बता दिया उनको कि मुझे वाकई रेंजर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड रेंजर्स, मैंने इसका डिफरेंस बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस देखते हैं ये, फिर जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये दो चीज़ें मैंने बताई। दैन दे आर सेटिस्फाइड विद माई आंसर, ये इस आंसर के साथ तो सेटिस्फाई हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा। और फिर एक ऑप्शन, क्योंकि मैंने साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि क्योंकि मैंने अपनी वालदा साहबा का बड़ा लिखा हुआ था जो कि हकीकत है, फिर उन्होंने मुझे कहा कि साइक आप वो हैं, क्या नाम है, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। मैंने कहा नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ग्रेट सोशल सर्कल, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड मदर ही हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। फिर आखिर में उन्होंने मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे वो दी, साइकेट्रिस्ट ने मुझे वो दी, एक मुझे कहा, एक सिचुएशन दी कि लेट्स सपोज आपको बॉर्डर से छुट्टी नहीं मिलती। पूरी उन्होंने स्टोरी बताई 1-1.5 मिनट की, और आपके पास दो ऑप्शन है, आपको आप इधर से रिज़ाइन कर देंगे या अपने वाला साहबा के पास, जो कि बहुत बीमार है और कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके पास जाएंगे तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे जो सा ना, मैं थोड़ा सा मतलब कि अंदर से मैंने उनको फील ही होने दिया और मैं फुल कॉन्फिडेंट था, लेकिन मैं यहाँ पे जो सा ना, मैंने तो ये बात सोची नहीं थी। तो बहरहाल मैंने उनको सेटिस्फाई कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं हद इम्कान कोशिश करूँगा कि कुछ मैं सब मामला अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, और अगर इसके बावजूद मैं ये करने में नाकाम हो जाता हूँ तो मैं कुछ ऐसा काम करने पे मजबूर हो जाऊँगा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो दे वर सेटिस्फाइड। तो ये इस तरह का कोई हुआ टॉपिक। और फिर उन्होंने कहा कि कोई वकीलों का कुछ ऐसा ना, वो जो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे बाहर से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, टू सम एक्सटेंड आपके उसमें से कर लेंगे वो क्वेश्चंस जो एकेडमिक्स आपने दिए उसमें, जिस तरह ने मेरे से किया कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, फिर करेंसीज का, फिर और लड़कों से भी बड़ा बड़ा पूछा इस तरह का। और इंटरव्यू को नहीं, ये था कि वो बाद में मिलने भी नहीं दे रहे थे ना, एक दूसरे दिन जो इंटरव्यू नहीं दे कर गए थे उनसे मिलने नहीं दे रहे थे वो, ये हो रहा था। ये जो वॉइस मैंने आपको सुना दी है, ये 2022 के डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर का कैंडिडेट है। उसने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दौरान इंटरव्यू आप लोगों से वही सवाल पूछते हैं जो कि साइकोलॉजिकल पेपर में आए होते हैं। तो आपने साइकोलॉजिकल पेपर में जो सवालों के जवाब आप लिखते हैं, सेम जवाब आपने दौरान इंटरव्यू देना है। उसके अलावा इंटरव्यू आप उर्दू में दे दें या इंग्लिश में परफॉर्म करें, ये आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली अगर पैनल आपसे कहता है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है, आपको इंग्लिश में परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उर्दू में अपना पूरा इंटरव्यू दे दें और कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना इंटरव्यू दे दें, आपको कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा 2021 का इंटरव्यू इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी के कोई क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू, रिगार्डिंग रेंजर्स टेस्ट प्रोसीजर और सिलेबस, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। बाकी जो टेस्ट प्रोसीजर है वो भी इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, रेंजर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें। गुड लक, अपना बहुत ख्याल रखें।